नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में म्यूटेशन परिमार्जन में देरी अपराध की श्रेणी में। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में कुल 3,985 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। जहरीली शराब से हुई मौत के आंकड़ों ने चौंकाया। इंटर का मॉडल पेपर जारी, 50% होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। श्रेयस अय्यर बने इस साल भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। म्यूटेशन परिमार्जन में देरी अपराध की श्रेणी में। राज्य में सबसे ज्यादा मामले राजस्व विभाग से ही आते हैं। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 70% मामले राजस्व विभाग से जुड़े होते हैं। वहीं राजस्व विभाग कार्यालय में भी प्रतिदिन 100 शिकायतें सुनने के बाद नाराज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने ऐलान किया है कि अब म्यूटेशन परिमार्जन अधिकारियों में जानबूझकर की गई लेच लतीफी अपराध मानी जाएगी। वहीं सभी जिलों के डीएम एडीएम को इस संबंध में राजस्व कर्मियों पदाधिकारियों की रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा है कि आंशिक साक्ष्य मिलने पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं समयबद्धता और न्यायपूर्ण तरीके से आवेदनों का निस्तारण करने वाले 50 सीओ को पुरस्कृत भी किया जाएगा। ये उक्त बातें राजस्व विभाग मंत्री ने बीते दिन अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। इंटर का मॉडल पेपर जारी, 50% होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इंटर परीक्षा 2023 के लिए बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है। इस बार प्रश्न पत्र पैटर्न में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हर विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ लघु और दीर्घोत्तरीय से 50% विकल्प वाले प्रश्न होंगे। स्टूडेंट्स को 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करने को मिलेंगे। सभी विषयों का कोड अलग अलग होगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पूछे गए प्रश्न में 50% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। गणित में 138 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 69 का जवाब देना होगा। वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 96 प्रश्नों में 48 का जवाब देना होगा। वहीं 10वीं का मॉडल पेपर जल्द ही जारी किया जाएगा। वहीं प्रश्न पत्र को लीक होने से बचाया जा सके, इसके लिए हर विषय में प्रश्न पत्र में थ्योरी पेपर भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। प्रश्न पत्र कितने पृष्ठ का है, इसकी भी जानकारी दी गई है। कस्तूरबा गांधी स्कूलों में कुल 3,985 पदों के लिए मांगे गए आवेदन। सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार के कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कई पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, लेकिन यह सिर्फ महिलाओं के लिए है। केवल चौकीदार या रात्रि प्रहरी के लिए पुरुष कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सभी पद के लिए केवल महिला कैंडिडेट ही आवेदन कर सकती है। आपको बता दें कि इन विद्यालयों में कुल 3,285 पद भरे जाएंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी प्रक्रिया आज से शुरू है। आप www.bepcnewsn.in या www.bepcssa.in पर इन दोनों ही वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 21 से 44 साल निर्धारित है। आरक्षित श्रेणी को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ध्यान रहे, आवेदन की अंतिम तारीख 6 जनवरी 2023 है। जहरीली शराब से हुई मौत के आंकड़ों ने चौंकाया। सारण छपरा में हुई जहरीली शराब से मौत के आंकड़े आज दोपहर तक और बढ़ गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर लिखे जाने तक करीब 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। हालांकि जिला प्रशासन 27 मौत की पुष्टि कर रही है, जिसमें से सबसे ज्यादा मौत सारण जिले के मशरक में हुई है। वहीं कई लोगों को इस मामले में पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। वहीं अगर हम बात करें शराबबंदी लागू होने के बाद हुई जहरीली शराब से मौत के बारे में, तो राज्य में वर्ष 2016 से 2020 के बीच आधिकारिक तौर पर अवैध और नकली शराब से 21 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इतने समय अंतराल में हुई 21 लोगों की मौत के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में यही अंकित किया गया है। जबकि साल 2016 के सिर्फ अगस्त महीने में गोपालगंज में 19 लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई थी। इसकी पुष्टि कोर्ट में भी हो गई थी। आईजीआईएमएस में मरीजों को मुफ्त में मिलेगी यह सुविधा। बिहार के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक आईजीआईएमएस में अब मरीजों को अगले सप्ताह से 100 नई ट्रॉली की सुविधा मिलेगी। आईजीआईएमएस के डिप्टी डायरेक्टर और मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर मनीष मंडल ने कहा कि अगले सप्ताह से 100 ट्रॉली मरीजों के लिए मुहैया करा दी जाएगी। ऐसे में अब मरीज के परिजनों को इस सुविधा के लिए इधर उधर चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। नई ट्रॉली में 30 इमरजेंसी वार्ड, 20 वार्ड ब्लॉक और 50 ट्रॉली ओपीडी के मरीजों के लिए रहेगा। डॉक्टर मनीष ने कहा कि ट्रॉली के लिए मरीज के परिजनों को ट्रॉली इंचार्ज से संपर्क करना होगा। इसके लिए वहां पर एक पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जमा किया जाएगा। वापस ट्रॉली जमा करने पर आधार कार्ड और नंबर वापस दे दिया जाएगा। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क उपलब्ध होगी। बिहार प्रशासनिक सेवा के 66 अधिकारियों का ट्रांसफर।
सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य में नगर निकाय चुनाव से पहले भारी संख्या में बिहार प्रशासनिक सेवा के 66 अधिकारियों का तबादला किया है। यह सभी अधिकारी अपर समाहर्ता उप सचिव रैंक के अधिकारी हैं। इन अधिकारियों को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता के पद पर स्थापित किया गया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है उनमें श्रीमती अमृता कुमारी, कुमारी आरती, विकास कुमार, सौरभ राज, रेणु कुमारी, श्रीमती नैना आर्या, राजेश कुमार, राजीव कुमार, अनिशा भारती, विनीत कुमार, सुश्री कुमारी, मनीषा, गौरव कुमार सहित कुल 66 अधिकारी शामिल हैं। राजधानी को जाम से मिलेगी निजात, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने को तैयार। राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने के लिए बनाई गई महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक पटना को जाम से मुक्ति दिलाना भी है। इसके लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि पटना जंक्शन के पास बकरी बाजार वाली जगह पर लगभग 3.38 एकड़ में ट्रांसपोर्ट हब बनाया जा रहा है। यहां अंडरग्राउंड, फिर ग्राउंड फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर मिलाकर कुल 4 फ्लोर में लगभग 296 वाहनों के लगाने की क्षमता रहेगी। काम में तेजी लाने के लिए बकरी बाजार वाली जगह पर साफ सफाई पूरी की गई है। निर्माण कंपनी की ओर से लेआउट करने के लिए मार्किंग और खुदाई का काम भी शुरू कर दिया गया है। योजना के तहत इस पर लगभग 67 करोड़ खर्च होने वाले हैं। कंपनी को जून 2023 में ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। एक और शिक्षक नियोजन के लिए प्रदर्शन, दूसरी ओर शिक्षकों की छटनी। एक और जहां शिक्षक नियोजन प्रक्रिया शुरू नहीं करने पर सीटेट विटेट अभ्यर्थी जमकर हंगामा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बिहार सरकार स्कूलों के शिक्षकों की छटनी कर रही है। इस छटनी में करीब 77,000 शिक्षक शामिल हैं। साथ ही इस संबंध में जल्द ही आदेश भी जारी की जा सकती है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश पर निगरानी ब्यूरो ने शिक्षकों के विरुद्ध FIR दर्ज करने की अनुमति मांगी है। यह कार्रवाई उन शिक्षकों पर की जानी है जिनसे कई बार प्रमाण पत्र मांगने के बाद भी अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। बताया गया है कि जांच के लिए निगरानी विभाग को 77,057 शिक्षकों के सर्टिफिकेट के फोल्डर नहीं मिले हैं। बता दें कि इन शिक्षकों की योग्यता सूची को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इन्हें 105 अंक दिए थे। BPSC हेडमास्टर पद के लिए अहम नोटिस, प्रधानाध्यापक बनने के लिए परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। BPSC हेडमास्टर पद के लिए होने वाली परीक्षा के एडमिट कार्ड एग्जाम से एक हफ्ते पहले जारी कर दिए जाएंगे। एडमिट कार्ड रिलीज होने के बाद बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in और ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। BPSC हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जाम का आयोजन 22 दिसंबर 2022 के दिन किया जाएगा। परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप होगी जिसकी टाइमिंग होगी दोपहर में 12 से 2 बजे की। एग्जाम राज्य के 13 जिलों में आयोजित कराया जाएगा। आपको बताते चले कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी है और हर गलत जवाब पर 0.25 अंक काटे जाएंगे। जहरीली शराब से गई जान पर नीतीश कुमार की दो टूक। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर नीतीश कुमार ने पहली बार अपनी मीडिया में बयान देते हुए दो टूक में कहा है कि शराब बुरी चीज है, जो पिएगा वो मरेगा ही। मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार की महिलाओं के कहने पर शराब बंद किया गया था। राज्य में शराबबंदी पूरी तरह से सफल है। शराब पीना बुरा है, जो पिएगा वो मरेगा। जो पार्टी हंगामा कर रही है उन्हें लोगों को शराबबंदी के पक्ष में समझाना चाहिए। वहीं सीएम ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि अन्य राज्यों में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत होती है, अन्य राज्यों में भी लोग मरते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में शराबबंदी के लिए कानून भी बनाया गया है, बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार भी किया गया, लोगों को जागरूक भी किया गया। इसके बाद भी कोई पिएगा तो मरेगा ही, लोगों को सचेत रहना चाहिए क्योंकि जब शराबबंदी है तो खराब शराब ही मिलेगी। शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन नीतीश कुमार माफी मांगो के लगे नारे। आज विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है और आज भी पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामा हुआ। भाजपा का विरोध लगातार जारी है। शराबबंदी को फेल बताकर जहरीली शराब से हो रही मौत पर भाजपा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि सभी विपक्ष एक बार फिर से आज सदन का बहिष्कार कर बाहर निकल आए और इससे पहले कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा सदस्यों ने नीतीश कुमार माफी मांगो के नारे लगाए। इस दौरान नीतीश कुमार भी सदन में मौजूद थे। दरअसल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन नीतीश कुमार को आक्रामक होते हुए देखा गया और विपक्ष ने नीतीश कुमार पर तू तड़ाक करके बात करने का आरोप लगाया जिसे अलोकतांत्रिक करार दिया गया। वहीं अब विपक्ष नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, नीतीश कुमार फ्रस्ट्रेशन में है। बिहार विधानसभा में बुधवार को जहरीली शराब के मामले पर सवाल किए जाने पर नीतीश कुमार बीजेपी पर खूब चिल्लाए। उन्होंने बीजेपी की ओर इशारा करते हुए यहां तक कह दिया कि इनको यहां से भगाओ। इस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार इधर फ्रस्ट्रेशन में है, उनके ऊपर बुढ़ापा सवार है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आगे कहा कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं शराब पर, तो जान लीजिए कि बिहार में यह भगवान की तरह हो गया है। जिस तरह भगवान दिखते नहीं लेकिन होते सब जगह हैं, उसी तरह बिहार में शराब है।
औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह के बेटे की बहुभोज में शामिल हुए पीएम मोदी। औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह के सुपुत्र आदित्य शेखर की शादी के बाद दिल्ली गोल्फ क्लब में आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में वर वधु को आशीर्वाद देने के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और नवविवाहित जोड़े को शुभ आशीर्वाद और उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल हुए, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है एवं मेरे परिवार के लिए यादगार एवं ऐतिहासिक क्षण है। श्रेयस अय्यर बने इस साल भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच बुधवार शुरू हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारत की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं रही थी और टीम 48 के स्कोर पर ही 3 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी और फिर क्रीज पर वनडे सीरीज में शानदार फॉर्म में रहे श्रेयस अय्यर उतरे, जिन्होंने पुजारा के साथ मिलकर पारी को संभाला और अर्धशतक भी लगाया। इस दमदार पारी की बदौलत अय्यर भारत के लिए इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। श्रेयस अय्यर ने 169 गेंदों में 82 रन बनाए और पहले दिन स्टंप तक नाबाद लौटे। इसके साथ ही श्रेयस अय्यर 2022 में सभी फॉर्मेट मिलाकर 38 पारियों में 1489 रन बनाकर सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। बिहार के कई जिलों में फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। बिहार के कई जिलों में आज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, वहीं कुछ शहरों में कुछ पैसे कम भी हुए हैं। गुरुवार 15 दिसंबर की सुबह जारी ताजा रेट पर नजर डाले तो अररिया, पटना, गया, भागलपुर, छपरा, गोपालगंज जैसे जिलों में दाम में बढ़ोतरी हुई है। वहीं पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर, सीवान में कुछ पैसे कम हुए हैं। बुधवार को पटना में पेट्रोल डीजल का दाम 107.48 रुपये था, जिसमें आज 47 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। डीजल 94.26 रुपये था, जिसमें 44 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। बुधवार को पटना में पेट्रोल और डीजल के रेट में कुछ पैसों की बढ़ोतरी हुई थी। आज लगातार दूसरे दिन फिर से दाम बढ़े हैं, कई अन्य जिलों में भी यही हुआ है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है वेद प्रकाश, महेश दास, बाबूलाल मरांडी, अखिलेश यादव, नूनू कुमार गोलू, शंकर मुखिया और मोतीलाल यादव। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि जहरीली शराब से हुई मौत का जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।